नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मिली जानकारी के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव मार्च के मध्य में शुरू होने के आसार हैं। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि इस बार पंचायत चुनाव 9 से 10 चरणों में संपन्न होंगे। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही पंचायत चुनाव का शेड्यूल राज्य सरकार को भेजा जाएगा। बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार के साथ कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। वहीं इस संबंध में अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की पंचायती चुनाव में उम्मीदवारों के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने की अभी कोई योजना नहीं है। चुनाव मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ही संपन्न होंगे। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के लिए बनाई गई मतदाता सूची में सुधार के लिए दावा और आपत्तियों की जांच शुरू कर दी गई है। वार्डवार आपत्ति सूची बनाए जाने के बाद इसके प्रारूप का प्रकाशन किया गया। आगामी 11 फरवरी तक दावा और आपत्तियों का निराकरण करने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दे दिया है। बताया जाता है कि यदि आयोग द्वारा घोषित मतदान केंद्रों में कुछ भी गलत पाया जाता है तो जनता इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है। जैसे अगर किसी मतदान केंद्र को मुखिया के घर पर या फिर पुलिस स्टेशन या अस्पताल में बनाया जाता है तो इसके लिए मतदाता आपत्ति दर्ज कर सकता है। वहीं निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के अधिकारियों को बूथों के भौतिक सत्यापन के लिए कहा गया है। यदि हमें किसी असुविधाजनक रूप से स्थित पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी मिलती है तो हम नए मतदान केंद्र स्थापित करेंगे। यह भी बताया जा रहा है कि राज्य में अब तक 1.19 लाख मतदान केंद्रों की पहचान की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 2 मार्च को किया जाएगा। त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकायों में कुल 2.58 लाख पद हैं जिसके लिए पंचायत चुनाव होंगे। वहीं बिहार पंचायत चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ा प्रावधान दिया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि अंतिम सूची प्रकाशित करते समय सभी बीडीओ को यह लिखित प्रमाण पत्र देना होगा कि प्रकाशित मतदाता सूची सही है। आयोग ने इस संबंध में कहा है कि सभी बीडीओ सूची तैयार करेंगे और प्रेक्षक उसका सत्यापन करेंगे। जिन मतदाताओं का नाम जोड़ना होगा उसकी अनुमति निर्वाचन पदाधिकारी से लेनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, आयोग ने कहा कि बीडीओ जिम्मेदारी निर्धारित कर अभिलेख तैयार करेंगे कि किसकी चूक से मतदाताओं का नाम सूची से कट गया था। बताते चले कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है। इसके साथ ही आयोग की तैयारी है कि किसी भी जिले में आचार संहिता अधिक दिनों तक न रहे। इसके लिए पूरे जिले में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के तहत 2,58,000 पदों के लिए चुनाव कराए जाने हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।